ओके okay. टुडे हम जो है आज के जो मेंस पेपर हुआ है आईआईटी मेंस का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि सुबह की शिफ्ट में हुआ था फिजिक्स का पेपर अब इस पेपर में कुछ डिफरेंट टॉपिक से जो डिफरेंट क्वेश्चन जो आए हैं मेमोरी बेस्ड पेपर के अकॉर्डिंग जो आपको बताया जा रहा है उसमें जैसे कि मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के दो हैं फ्लूट्स के मात्र एक क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से दो क्वेश्चन आए हैं कैपेसिटर्स में से एक कम्युनिकेशन में से भी एक इलेक्ट्रोमेटिक वेव से दो क्वेश्चन आए हैं एसी और ईएमआई से एक एक क्वेश्चन आया है सेमीकंडक्टर से दो ग्रेविटेशन से एक है वेव ऑप्टिक्स से एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी एक ही है एरर से दो क्वेश्चन आए हैं के टी एंड थर्मोडाइनेमिक्स से भी दो क्वेश्चन आए हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मेटेरियल को भी यहां पे इंक्लूड किया है एक क्वेश्चन उसका भी दिया है एसएचएम से मात्र एक क्वेश्चन आया है तो ये जो है समरी थी कि डिफरेंट टॉपिक से जो डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं आपके इस सुबह के मेन्स एग्जामिनेशन का जो पेपर हुआ आज सोलह मार्च को तो उसका एक डिफरेंट टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन था अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये एक क्वलेटरल ट्राइंगर प्रिज्म है और इसके अंदर यहाँ पे लाइट आ रही है तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर होता है यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिंग एंगल R1 और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन R2 ये भी बराबर होता है और ये जो लाइट है वो बेस के बिल्कुल पैरल हो जाती है तो इस कंडीशन पे आधारित अपन यहाँ पे कॉन्सेप्शनल आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास जैसा कि इस जीना डायोड का है तो यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था इस रजिस्टेंस के अक्रॉस तो इस रजिस्टेंस में जाने वाला करंट आर आई की वैल्यू वन बाय आ जाएगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का था तो इसमें केंट वन बाई जीना डायोड से जाने वाला वाला करंट आपके पास ये वाला हो जाएगा यहां पे आप जंक्शन लो लगाएंगे तो 1 बाय थर्टी एमपियर तो इसने कितनी पावर सप्लाई करी तो किसी की भी सप्लाइड पावर जो होती है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से पास होने वाले करंट के मल्टीपल के बराबर होती है तो इसकी जो सप्लाइड पावर है जीना डायोड के अक्रॉस वो पॉइंट फाइव में आ जाएगी पावर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके पास

एक एरर का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर जो मेन स्केल डिवीजन जो है वो N -1, वर्नियर के मात्र डिवीजन से कर जाते हैं तो अपने पास जो लीस्ट काउंट यानी कि मिनिमम रीडेबल रीडिंग जो है मेन स्केल की वो ए दे रखी है यानी कि मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन ए लेंथ का है तो वर्नियर स्केल का सबसे छोटा वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि एन डिजन वर्नियर स्केल के एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन के साथ कौन साइड हो रहे हैं तो वर्नियर का एक डिवीजन इतने अमाउंट के बराबर होएगा तो काउंट की वैल्यू जो होती है हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इस डिफरेंस से हम जो है लिस्ट काउंट लिख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इट डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दोनों ही पाथ डिपेंडेंट होते हैं तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये पाथ फंक्शन होता है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वर्डन जो होता है वो पार्ट डिपेंडेंट होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट होती है वो इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करती है लेकिन जो सप्लाइड हीट होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो अगर डेल्टा डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट है तो डेल्टा क्यू भी पार्ट डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है इफ डेल्टा डब्ल्यू इज अ पार्ट डिपेंडेंट देन डेल्टा क्यू इज विल अब ये जो है आपके पास पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ कि एक कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम वी है तीन डिफरेंट गैसेस डाल रखी हैं तो तीनों डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम वही वो होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होएगा और इस आधार पे कंटेनर की दीवार पे लगने वाला टोटल प्रेशर जो आएगा वो पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट से आएगा तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अपन लिख लेंगे पहली गैस का प्रेशर इस फार्मूले से लिख लेंगे पहली गैस के नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे दूसरी के इतने आ जाएंगे ऑक्सीजन के और यहाँ पे नाइट्रोजन के और फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के इस फार्मूले को यूज करके हर गैस का जो सप्लाइड प्रेशर है वो निकाल लेंगे और फिर ये आपके पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा और इस फार्मूले को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे टू एनआर क्योंकि यहां से जो प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो पी की वैल्यू जब आप यहां पे लाएंगे लेफ्ट साइड में तो वी की वैल्यू जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पी इन टू वी का मल्टीप्लेशन फाइव बाई टू आर टी के बराबर आ जाएगा जो भी गैस का उस टाइम पे टेम्परेचर टी रहेगा वही मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा एक ये क्वेश्चन है ये रोटेशन उस पे, सर्कुलर मोशन पे आधारित है कि ये एक सिलेंड्रिकल शेल के अंदर ये कोई मास इस से घूम रहा है तो यहाँ पे कितना नॉर्मल लगेगा क्योंकि भैया नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन प्रोवाइड कराने के लिए तो यहां पे इसके ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल जो फोर्स होएगा वो एक तरह का नॉर्मल फोर्स होएगा नॉर्मल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा तो नॉर्मल फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सलेशन और एक्सलेशन होएगा वो सेंट्रीपिटल इनटू रेडियस के बराबर रहेगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है वो क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड उसका 40 सेकंड दे दिया है तो आप यहाँ पे इसका ओमेगा निकाल लेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी मास तो तो का रिजल्ट है कि जो है वो एंटीना की वन फोर्थ की के बराबर होती है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है ये एनसीआर के कम्युनिकेशन चैप्टर में भी है कि लेंथ ऑफ द एंटीना शुड बी इक्वल टू वन बाय फोर ऑफ द वेव अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं जैसा कि अनडेविटेड कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म का जो रेशियो होता है वो सी के बराबर होता है इसको यूज करके यहाँ पे आप ये बी की वैल्यू रख देंगे इसका एम्पलीट्यूड तो बी का एम्पलीट्यूड रख देंगे तो सी का एम्पलीट्यूड से निकल के ई का एम्पलीट्यूड यहां से निकल के e आ जाएगा बी का एम्पलीट्यूड रख दीजिए लाइट की स्पीड रख दीजिए तो ऐसा यूनिट में आपके पास जो है वो ई e का एम्पलीट्यूड आ जाएगा लेकिन मसला यह है कि ये लाइट चलेगी किस डायरेक्शन में तो लाइट का जो डायरेक्शन यहाँ पे जो नजर आ रहा है दी गई इन्फॉर्मेशन से कि अगर मान लीजिए आपके पास ये Z डायरेक्शन में जैसे चल रही है पॉजिटिव Z डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव Z डायरेक्शन में अगर ये लाइट बाहर की तरफ चलेगी और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपके पास इस डायरेक्शन में है दिस इज द तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जे डायरेक्शन में ये आई डायरेक्शन हो गई आई कैप एंड दिस इज द जे कैप तो ये के कैप डायरेक्शन आपके पास light लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए लाइट इधर चलनी चाहिए तो लाइट अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो यहां पे इस डायरेक्शन में चलने के लिए अगर सी की डायरेक्शन ये है और हम ज्यादातर जो है ई क्रॉस बीजो टू सी लेते हैं तो ई e की डायरेक्शन जो है राइट एंड थम रूल के मुताबिक पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन में आनी चाहिए दिस शुड बी द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो आप यहां से ले लेंगे नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि आपके पास जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये क्वेश्चन था कि एक 10 किलोग्राम का मास जो है एक रेस्ट मास 20 किलोग्राम पे आके हिट करता है और ये खुद रुक जाता है और फिर ये 20 किलोग्राम का मास दो इक्वल मासेस में स्प्लिट होकर के एक जो है वो पॉजिटिव आई डायरेक्शन में चलता है तो दूसरे की डायरेक्शन बतानी है किधर होगी तो दूसरा जो पार्ट है टेन किलोग्राम का उसकी डायरेक्शन मैंने एक्सिस से ठीटा एंगल पे मान ली एक्स वाई प्लेन में ग्राउंड पे

इंटू इसका मास टेन किलोग्राम तो ये एक्स में आ गया। इसको थोड़ा सा तो मोमेंटम ऑफ दिस टेन किलोग्राम पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन सेम मोमेंटम वाई किलोग्राम टेन वाई डायरेक्शन में टेन किलोग्राम के पार्टिकल का नीचे की तरफ हो जाएगा यानी कि टेन इंटू टेन तो शुड बी इक्वल टू टेन वी साइन ऑफा तो ये इक्वेशन आपके पास वाई डायरेक्शन में निकल के आ जाएगी ये मास 10 किलोग्राम का ले लेंगे वो हालांकि वो कैंसिल हो जाएगा तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी आपके पास इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी और ये 30 डिग्री का एंगल जो आएगा वो एक्स एक्सिस के साथ ही बना करके आएगा तो वी कैन से कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है अदर पार्टिकल वो एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री यानी थर्टी डिग्री का एंगल नीचे की तरफ बना करके चलेगा नेक्स्ट वन ये जो है वेवलेंथ पूछी गई है डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसी फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होएगा मेटल से जैसी लाइट आके गिरेगी जैसा कि लाइट का यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है तो लाइट की जो एनर्जी होगी वो यहां से निकल के आ जाएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ये यह यहाँ पे आपने नैनोमीटर में वैल्यू रखी तो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई वर्क फंक्शन तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वो रख देंगे तो इमीट होने वाले इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी आ जाएगी अभी इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ और कानेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन होता है डी ब्रोगली थियोरम के अकॉर्डिंग क्योंकि मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम इज इक का टू कानेटिक एनर्जी रख देंगे और यहाँ पे वेवलेंथ इज इकल टू एच बायमडा के तहत एच बाय पी के तहत यहाँ पे ये यह मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे आप ऊपर वाली इक्वेशन से तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी नेक्स्ट ये एरर का सवाल है जिसके अंदर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है और उसमें से फ्लो होने वाला करंट दिया हुआ है तो अगर इस इंफॉर्मेशन से रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसमें कितनी मैक्सिमम एरर आएगी तो जैसा कि एरर के अंदर होता है कि रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो अपन डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं ये लीस्ट काउंट है वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल एरर वो दो वोल्ट की दे रखी है प्लस माइनस टू करंट का लीस्ट काउंट यानी करंट को पढ़ने में मैक्सिमम परमिसेबल एरर पॉइंट टू एम्पियर की दे रखी है तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा आर अपोन आर आ जाएगा क्योंकि वी की वैल्यू फिफ्टी और आई की वैल्यू ट्वेंटी रखेंगे तो डेल्टा आर बाय आर आ गया तो परसेंटेज रिलेशन कैलकुलेशन से पांच आ जाएगा नेक्स्ट है कि भाई एक बार मैग्नेट है उसका डायपोल मूवमेंट आपको दे रखा है कैपिटल एम तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ पोल होते हैं इसकी लेंथ आपको यहाँ पे एल दे दी एक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम मान लीजिए तो स्मॉल एम इंटू एल की वैल्यू आपको कैपिटल एम दे दी है अब इसके बाद इस बार मैग्नेट को आपने मोड़ दिया है तो बार मैग्नेट को अगर मोड़ देंगे तो दोनों पोलों के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस रहेगी वो ये वाली रहेगी दिस विल बी द लेंथ लेंथ तो आप इसकी लेंथ, अगर ये रेडियस इसका अगर मान लीजिए हो गया तो ये पाई आर की वैल्यू आप जो है L के बराबर लिखेंगे तो आर की वैल्यू आ गई एल अपॉन पाई और इफेक्टिव एल इफेक्टिव की वैल्यू इनके बीच में जो आ जाएगी दैट विल बी दू आर टू आर की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी अपने पास दैट विल बी दू एल अपॉन पाई अब नया जो डायपोल मूवमेंट होएगा इसका तो नया डायपोल मूवमेंट अपन जान सकते हैं पॉल स्ट्रेंथ इनटू इन दोनों के बीच की एल इफेक्टिव की वैल्यू दैट इज टू अपॉन पाई तो ये नया डायपोल मूवमेंट आ गया जिसका रिलेशन आप पुराने डायपोल मूवमेंट के साथ लिख सकते हो पुराना डायपोल मूवमेंट ये वाला था तो एम और एम डैश जो कि नया डायपोल मूवमेंट है कैपिटल एम और कैपिटल एम डैश उनमें रिलेशन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये तरह का आपके पास एक लॉजिक गेट्स का सवाल है ये आपके पास नोर गेट है ये वाले दो नोर गेट हैं एंड ये वाले आपके पास नॉट गेट है अब यहां पे ये नैंड गेट नहीं है इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाइड कर देता हूं दिस इज और गेट दिस इज और गेट मैक इट और गेट ठीक है ना ये और गेट कर लीजिएगा तो बस अब यहां पे कह रखा है जैसा कि क्वेश्चन में एक पे अगर अपन ने इनपुट जीरो दिया और बी पे वन दिया है तो यहां पे आपके पास इनपुट वन जाएगा यहां पे जीरो दिया है तो इनवर्ट होके वो वन हो जाएगा यहां पे वन दिया है तो यहां पे वन जाएगा और यहां पे जीरो दिया था तो ये शॉर्ट वायर है तो यहां पे भी जीरो जाएगा अब ये और गेट है तो और गेट के आगे आपने नोट कर रखा है तो इनका आउटपुट तो वन आएगा लेकिन जैसे ही नोट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी होएगी जीरो वन का और गेट से आउटपुट वन होता है लेकिन जैसे ही नोट लगाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा और दो तरह के जीरो जीरो इनपुट जा रहे हैं तो ये और गेट है तो आउटपुट जीरो ही आएगा इसमें दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है शॉर्ट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डायरेक्ट रिजल्ट है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता है ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो बराबर होंगी ये एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूट है एक चीज और यहां पर ये वायर वायर बोल रखा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको रोड कर लीजिएगा यहाँ पे ये वायर नहीं है इट इज अ रोड रोड को मोड़ा है मैक इट एज अ रोड यहां पर भी और इसको भी आप यहाँ पे रोड कर लीजिएगा तो ये रोड शब्द होगा को मैग्नेटाइज़ किया है रोड को ट्वेंटी एट जैसा कि हम जानते हैं कि लाइमन सीरीज में वेवलेंथ इसी थॉर्मोले से निकालते हैं तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट और थर्ड तो फर्स्ट वेवलेंथ के अंदर तो जो आपके पास बामर सीरीज है तो बामर सीरीज के अंदर जो पहली वेवलेंथ आएगी वो सेकंड से कूदेगा जंप करेगा इलेक्ट्रॉन और बामर बामर सीरीज सीरीज की जो थर्ड सीरीज होएगी बामर सीरीज के अंदर जो थर्ड लाइन होएगी वो होती है सेकंड के अंदर जब वो फिफ्थ से कूदेगा फोर्थ से जब वो सेकंड में कूदेगा तो सेकंड वाली कहलाती है लेकिन थर्ड वाली जो होएगी वो फिफ्थ से सेकंड में कूदने पर होगी बामर सीरीज में तो ये दो वेवलेंथ आएंगी इनका रेशो निकालेंगे अपन तो ये रेशो की वैल्यू आपके पास जो आती है दिस विल बी वन पॉइंट फाइव टू वन एक्स की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी तो एग्जामिनेशन और भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो अभी डिस्कस और वो आपको जो है उसमें भी छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन को करने की टेक्निक्स बताई जाएगी तो एक शॉर्ट आपको ब्रीफ था हालांकि क्वेश्चन आसान है आप इसको इजीली कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच